अब इसकी अवस्थिति की हम लोग बात करेंगे, निरपेक्ष अवस्थिति और सापेक्ष अवस्थिति। डिफरेंस क्या है निरपेक्ष अवस्थिति में और सापेक्ष अवस्थिति में, बात को भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे क्या अंतर है। दोस्तों निरपेक्ष अवस्थिति का मतलब होता है कि आप कहीं भी चले जाएं, किसी स्थान की अवस्थिति यदि अक्षांश और देशांतरों के संदर्भ में होती है उसको हम निरपेक्ष स्थिति, निरपेक्ष कोई अपेक्षा नहीं, कहीं भी चले जाएं। आप अंटार्कटिका के ऊपर खड़े होकर के जयपुर का देशांतर या अक्षांश पूछेंगे तो वही होगा, राजस्थान का अक्षांश और देशांतर यही होगा, ये बांसवाड़ा जो जो बोरकुंड का अक्षांश है या कोणा गांव का जो अक्षांश है। आप भले अंटार्कटिका के खड़े ऊपर खड़े होकर के इसको डिस्कस करें या साइबेरिया के ऊपर खड़े होकर के इसको डिस्कस करें, ये कभी नहीं बदलता, इसलिए इसको निरपेक्ष कहा जाता है। संदर्भ बिंदु कौन से होंगे, अक्षांश और देशांतर, ठीक है, सापेक्ष की भी हम लोग बात करेंगे। तो ये निरपेक्ष स्थिति अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से जो लोकेशन बताई जाती है उसको हम निरपेक्ष स्थिति के नाम से जानते हैं। अब ये चार हमारे संदर्भ बिंदु हैं, वो चार संदर्भ बिंदु कौन से हैं हमारे, ये देखिए ये जो छुपा हुआ है ये है 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये बोरकुंड है बांसवाड़ा का, इसको नाम से जाना जाता है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ये दोनों प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हैं अक्षांश की दृष्टि से। देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। अब इसमें अक्षांशीय विस्तार में दो जिले महत्वपूर्ण है, एक बांसवाड़ा और एक श्रीगंगानगर। देशांतरीय विस्तार में भी दो जिले महत्वपूर्ण, एक जैसलमेर और दूसरा धौलपुर, इसको ध्यान रख लीजिए, पे थोड़ा सा गौर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ थोड़ा सा देखने और समझने की कोशिश करेंगे ये चीज क्या है, कैसे इसको देखें। दोस्तों ये ग्रीनविच रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा, सबसे देशांतरों की दृष्टि से सबसे शानदार या सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ रेखा, और इसी तरह से यह भूमध्य रेखा है। दोनों का मान 0 डिग्री है, एक आड़ी और एक खड़ी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। अब ये भूमध्य रेखा के ये राजस्थान और भारत की जो स्थिति है भूमध्य रेखा की दृष्टि से यानी अक्षांश की दृष्टि से पूरी तरह से उत्तर में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, इसलिए भारत और राजस्थान दोनों के सारे अक्षांश उत्तरी अक्षांश होंगे। इस बात को आप लोग गांठ बांधकर ध्यान रखने की कोशिश करेंगे और अंतिम तौर पर अपने दिमागी स्मृति में इसको लॉक कर दीजिए। भारत का कोई सा भी अक्षांश पूछा जाए, राजस्थान का कोई सा भी अक्षांश पूछा जाए, भारत के किसी भी राज्य का कोई सा भी अक्षांश पूछा जाए, सबके साथ केवल उत्तरी अक्षांश होगा, क्योंकि संपूर्ण भारत और संपूर्ण राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ये बात हुई एक। अब दूसरी बात पर हम लोग विचार करते हैं, ये ग्रीनविच रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा, और पूरा का पूरा भारत और पूरा का पूरा राजस्थान, भारत के सभी राज्य, ना केवल राजस्थान बल्कि सभी राज्य ग्रीनविच रेखा से पूर्व में होते हैं। इसलिए कोई सा भी देशांतर हो, भारत का हो, किसी भी राज्य का हो, सारे के सारे देशांतरों के साथ पूर्वी शब्द लगेगा, पूर्वी देशांतर। इस बात को समझ लेंगे।